पिछले दिनों बंगाल में डॉक्टर के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया उससे पूरा देश के जो चिकित्सक महकमे में गुस्सा फूटा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स समाज में काला बिल्ला लगा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरा देश के डॉक्टर जो हैं वो ओपीडी हड़ताल किए हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के सहरसा जिले मुख्यालय में स्थानीय रेड क्रॉस में। यहाँ अभी पिछले कुछ घंटों से डॉक्टर की आपात बैठक बुलाई गई है जहाँ डॉक्टर मशवरा कर रहे हैं इस घटने को लेके कि डॉक्टरों की सेफ्टी फर्स्ट होनी बहुत आवश्यक चीज है। तो हमारे साथ शहर के जाने माने सभी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं अभी रेड क्रॉस में। हम डॉक्टर से जानेंगे कि ये जो आज का हड़ताल है ये हड़ताल क्यों किए हैं और ये सरकार से किस तरह का सेफ्टी चाहते हैं। सर, आप लोगों का जो आज हड़ताल है इसका क्या कारण है और आप सरकार से किस तरह का सेफ्टी की मांग कर रहे हैं? आए दिन चिकित्सकों के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं। पब्लिक जो है सो अपना इंटोलरेंस खोलते जा रही है और चिकित्सकों के प्रति जो है घटना मैंने मारपीट की घटनाएं या कुछ ना कुछ घटनाएं करते रहती है। इसी के प्रतिकार करने के लिए हम लोग एक सेंट्रल कानून का डिमांड करते हैं ताकि चिकित्सकों को जो है इससे सुरक्षा मिल सके और समाज के जो लोग इस तरह के कुकृत्य में शामिल हैं उनको दंडित किया जा सके। बार बार सर इस तरह से डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, उनके तरह से और असामाजिक तत्व के तरफ से जो डॉक्टरों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार से आपका क्या मांग है कि इसको पुख्ता इंतजाम मिले? सरकार से हमारी ही मांग है कि हमें पूरी तरह से सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में सारी सुविधाएं मिलें ताकि जो है सो पब्लिक का हम अच्छी तरह सेवा कर सके और उनका जो भी ग्रीवांसेज हो उसको हम फुलफिल कर सके। लेकिन क्या होता है कि सेवा देने के बावजूद भी आज की पब्लिक जो है जनता जो है डॉक्टरों के पर ना आक्रोश जाहिर करती है और उनके साथ मारपीट की घटना करती है। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए सबसे सख्त कड़ा कानून बनाया जाए ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना नहीं हो सके। सुनना रविंद्र कुमार हमारे साथ IMA के सचिव भी मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज का हड़ताल है इस पे आप सरकार से क्या मांग करते हैं? बार बार आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो सेफ्टी फर्स्ट को लेकर आप सरकार से क्या मांग? सेफ्टी फर्स्ट के लिए सरकार से यही है कि जब पुख्ता कानून बने और सरकार भी अपनी नजरिया बदले डॉक्टरों के प्रति कि डॉक्टर को किस माहौल में काम अच्छा से कर सकता है वो माहौल मुहैया कराया जाए। और ये जो अभी का घटना है वेस्ट बंगाल में NRS मेडिकल कॉलेज में, वहाँ की सरकार जो नकारात्मक व्यवहार अपनाई है वो नकारात्मक व्यवहार ना तो इस सरकार के लिए अच्छा है, ना पब्लिक के लिए अच्छा है, ना डॉक्टरों के लिए अच्छा है। ये व्यवहार बदलनी चाहिए और ये पुख्ता कानून बननी चाहिए जिससे हम लोग उचित माहौल में काम कर सकें, पब्लिक की सेवा कर सकें। हम लोग पब्लिक की सेवा के लिए बने हुए हैं, हड़ताल के लिए नहीं बने। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हम पब्लिक के सेवा के लिए बने हैं, हड़ताल के लिए नहीं बने हैं। बात भी वाजिब है कि ये धरती के भगवान है, इनकी सेफ्टी अगर फर्स्ट नहीं होगी तो वो इलाज कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं अभी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में पिछले कई दिनों से इंसेफ्लाइटिस से तबाही मच रही है और आज हड़ताल का दिन है, तो आप तस्वीर को खुद समझ सकते हैं। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि डॉक्टरों की सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए क्योंकि वो इलाज करते हैं, वो भगवान के बाद धरती पे दूसरे भगवान हैं जो लोगों की जिंदगी देते हैं। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज का जो दिन है वो पूरे देश के जो डॉक्टर चिकित्सक महकमे हड़ताल पे हैं तो सरकार पे इनके हड़ताल का कितना दबाव बनता है और इनकी जो सुरक्षा है वो कितनी बेहतर, वो कितना पुख्ता हो पाता है। सहयोगी सुमन कुमार झा के साथ नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजरुद्दीन, सहरसा।